तो वहीं लोकसभा चुनाव के पांचवें चरण के मतदान के तहत आज 6 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की 49 सीटों पर वोटिंग जारी है। मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हो गया है जो शाम 6 बजे तक चलेगा। इसमें यूपी की 14 सीटें भी शामिल हैं, जिनमें अमेठी, रायबरेली और लखनऊ भी है। साथ ही बाराबंकी में सुबह से मतदाता मतदान स्थलों पर अपने मत का प्रयोग करने पहुंच रहे हैं। सुरक्षा की दृष्टि से पोलिंग बूथ पर पर्याप्त व्यवस्था की गई है। उत्तर प्रदेश में पांचवें चरण की वोटिंग शुरू हो गई है। इस समय हम लोकसभा सीट बाराबंकी में हैं और यहाँ पर सरैया प्राथमिक विद्यालय सरैया में मौजूद हैं। आप देख सकते हैं जो मतदाता हैं वो अपने मत का प्रयोग करने के लिए लाइन में लग चुके हैं। मतदान प्रारंभ हो चुका है और हालांकि सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो पुलिस बल तैनात है और यहाँ पर कुछ मतदाता हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे किन मुद्दों पे वोट करने निकले हैं और क्या रहेगा। क्या नाम है चाचा आपका? राम नरेश यादव। किन मुद्दों पे वोट करने निकले हैं, क्या मुद्दे रहेंगे, चुनावी मुद्दे क्या है? चुनावी मुद्दे तो चल रहा है, जो ठीक चल रहा है, क्या नाली, रोड, सड़क, क्या 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 विषय रहेगा वोट डालने का? नहीं, सारी व्यवस्थाएं जो है हो रही हैं, बन रही हैं, चल रहा है और वो सड़क भी बन रही है, नालियां भी बन रही हैं, सफाई कर्मी भी आ रहे हैं, कार्य सब अच्छी तरह से हो रहा है। आप भी आए वोट डालने, क्या क्या मुद्दे रहेंगे आपके चुनावी मुद्दे? उसमें क्या है, मतलब आदमी अपने समझ से वोट डाल रहा है। तो आप देख सकते हैं जो मतदाता है वो वोट डालने पहुंच चुके हैं। कैमरामैन आदित्य के साथ रेहान वारसी, MKN न्यूज़, बाराबंकी।